माननीय अध्यक्ष जी और मित्रों, कल गुरु नानक देव के व्यक्तित्व के संबंध में मैंने थोड़ा बहुत अपना विचार आपके सामने रखा था। आज उनके चिंतन और संदेश के बारे में कुछ कहना है। जो सचमुच के महापुरुष होते हैं, जिनके विचार और आचार एकमेक हो जाते हैं, जो भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं, उनका व्यक्तित्व ही उनका संदेश होता है। इसलिए एक दृष्टि से तो गुरु नानक का व्यक्तित्व ही उनका संदेश है, और उस पर विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो चरित्र है, जो उनकी वाणियाँ हैं, उनका मनन करना, उनका अध्ययन करना, उससे मार्ग मिलता है। लेकिन हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए कुछ इस प्रकार के विश्लेषण की भी आवश्यकता होती है कि किस संबंध में, किस संदर्भ में कौन सी बात उन्होंने कही है, और आजकल हमारे लिए उसकी कुछ उपादेयता है या नहीं है। आज से 500 वर्ष पहले के भारतवर्ष की कल्पना कीजिए। यह देश जात पांच, संप्रदाय अनेक भेदों में विभक्त था, आज भी है, और इन सब भेदभाव के अतिरिक्त एक नई शक्ति भी आ गई थी, वह थी इस्लाम की शक्ति। तो जो भेदभाव पहले से ही काफी जटिल था, उसमें वो थोड़ा और भी जटिल हो गया था। मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा धारणा है कि इस बाद हिंदू समाज में एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, और उसमें भीतर ही भीतर सिमटने की प्रवृत्ति और भी बढ़ती गई। जात पात छुआछूत का जो भेद पहले था, उससे कहीं अधिक और बढ़ती गई। ऐसी ही स्थिति में गुरु नानक देव का आविर्भाव हुआ था। दो प्रकार की चीज़ें, दो प्रकार की व्यवस्थाएं उनके सामने थीं। एक तो यह जात पात की व्यवस्था, छूत छात की व्यवस्था, जिसमें अकारण बहुत से लोग हमारे देश में छोटे माने जाते हैं। कौन कितना छोटा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो विदेशी लोगों ने हमारे देश की जातियों का अध्ययन किया है, रिजवी साहब ने एक जगह लिखा है कि मैं या अभी तक ये स्थिर नहीं कर पाया कि हिंदुओं में कौन सी जात सबसे छोटी है, क्योंकि हर छोटी जात अपने से अधिक छोटी किसी को बता देती है, और अपने को अपना दावा करती है कि वो उससे ऊँची है। कई तरह के भेदभाव हैं, छूत छात की भी विचित्र व्यवस्थाएँ हैं। किसी के हाथ का, किसी का शरीर छूने से ही आदमी अपवित्र हो सकता है, किसी का छुआ पानी अपवित्र हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनका छुआ पानी तो चल सकता है लेकिन पक्की रोटी अपवित्र हो जाती है, कुछ पक्की रसोई तो जिनकी चलती है ठीक है, लेकिन अगर कच्ची रसोई, कच्ची का मतलब चावल दाल, वो छू दें तो अपवित्र हो जाता है। यानी कितने तरह के भेदभाव हैं, और बाहर के आदमी के लिए तो ये समझने में भी बड़ी कठिनाई होती है कैसी ये व्यवस्था चल रही है, लेकिन चल रही है, बड़ी शान से चल रही है, और गुरु नानक देव के समय में भी ये व्यवस्था चलती थी। दूसरी सांप्रदायिक व्यवस्था थी। हमारे देश में अनेक धार्मिक संप्रदाय हुए। गुरु नानक देव के पहले ऐसे लोग भी हो चुके थे जिन्होंने जांच पांच की व्यवस्था पर कस के आघात किया था, चोट पहुंचाई थी, तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसा ही दुर्भाग्य है, ये समझिए कि जांच पांच की व्यवस्था कुछ ऐसी प्रबल सिद्ध हुई कि जो आया वो घर साफ करने के लिए, आंगन साफ करने के लिए वही दो ईंट रख गया, उसी के नाम पर एक जात चल पड़ी, उसी के नाम पर एक संप्रदाय चल पड़ा, और ये व्यवस्था और भी जटिल से जटिलतर ही होती गई।
इसके भीतर से रास्ता निकालने का काम बड़े महापुरुष का काम था और गुरु नानक देव ने वो मार्ग प्रशस्त किया। कहने को औरों ने भी किया, उसके लिए गुरु नानक देव ने भी कहा कि एक ज्योति से सब उपजाया, सभी एक ज्योति से उत्पन्न हुए हैं, कौन बड़ा और कौन मंदा, इसमें छोटा कौन और बड़ा कौन, सब परमात्मा के हैं। लेकिन फिर भी ये सब ने मान लिया कि हाँ सब परमात्मा के संतान, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ती। तो सांप्रदायिक व्यवस्थाएं भी जो हुई उसमें भी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था जो भारतवर्ष में दिखाई देती है वो यह है कि बहुत से लोग धार्मिक दृष्टि से ये मानते हैं कि भगवान के सब बंदे हैं, सब परमात्मा की संतान हैं। ये नहीं कि नहीं मानते, सब मानते हैं। और जो हरि को भजे सो हरि को होई, ये सिद्धांत भी भक्ति काल मध्यकाल में भक्ति के आज जो आंदोलन चला उसमें ये सिद्धांत मान लिया गया कि परमात्मा को भजने वाला जो है वो परमात्मा के जीव हो जाता है, हरिजन हो जाता है। और चलते चलते हरिजन शब्द की भी दुर्गति हो गई। तो लेकिन सामाजिक आचार विचार में, व्यवहार में मानते हैं कि अद्वैत है, एक है, कोई नेह नानास्ति किंचन, कोई पृथक नहीं है, कोई अलगाव बिलगाव नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन व्यवहार का सत्य कुछ और है, परमार्थ का सत्य कुछ और है। इस तरह की एक धारणा हमारे देश में है कि परमार्थतः तो यही सत्य है कि सब एक है, लेकिन व्यवहार में भेद करना पड़ता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छूत है, कोई अछूत है। मध्यकाल कोई 10वीं शताब्दी से हमारे देश में, मैं तो इतना वैसे अंग्रेजी में मिडिल एजेस 4वीं-5वीं शताब्दी से वो लोग मानने लगते हैं और हमारे देश में भी लोग मिडिल एजेस कहते हैं, 4वीं-5वीं शताब्दी से कहने लगते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे देश के प्रति अन्याय है, क्योंकि 4वीं-5वीं शताब्दी में हमारे देश में बड़ी भारी समृद्धि थी, गुप्तों का साम्राज्य था और हर विषय में, कला में, शिल्प में, साहित्य में बड़ी उन्नति हुई हमारे देश में। वस्तुतः ये जो मध्यकाल कहने का अर्थ केवल काल नहीं है, समय नहीं है, टाइम का अर्थ नहीं होता। जब हम मिडिएवल किसी को कहते हैं तो ये मतलब नहीं होता कि किसी खास पीरियड में पैदा हुआ, एक तरह की मेंटेलिटी है, एक तरह की मनोवृत्ति है जिसको हम कहते हैं मध्ययुगीन मनोवृत्ति। वो एक जब्दी हुई सी स्टैग्नेंट सी मनोवृत्ति है। ऐसा मानना कि जो कुछ था पहले बड़े बड़े लोगों ने कर लिया है, अब हमको, हम तो घोर कलयुग में आ गए हैं, हम क्या कर सकते हैं, सतयुग तो बीत गया, त्रेता युग बीत गया, अच्छे लोग बीत गए, और हम लोग यहाँ पर साधारण आदमी रह गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये कर सकते हैं कि जो लिख गए हैं पोथियाँ उनका अर्थ लगाएं। तो 10वीं शताब्दी के बाद, बल्कि 8वीं शताब्दी के बाद ही हमारे देश में टीका युग चलने लगा, कि यानी कोई मौलिक चिंतन नहीं, कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं, बल्कि पुराने ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है उसका हम भाष्य कर सकते हैं, टीका कर सकते हैं, उसका टीका पर टीका कर सकते हैं। ऐसे ऐसे एक एक पुस्तकों की टीका लिखी गई, टीका की टीका, उसकी भी टीका, साथ साथ पुष्ट तक टीकाएं चलती रही, टीकाओं का युग आ गया। और वो हमारी जब्दी हुई मनोवृत्ति का एक सूचक है कि जो स्टैग्नेंट जो हो गया था, रुद्ध एक प्रवृत्ति कि ज्ञान की धारा अब नए सिरे से सोचना संभव नहीं है, पुराने लोगों ने जो कुछ किया है वो उसकी टीका की जा सकती है। और ये टीका वाली प्रवृत्ति गुरु नानक के का जिस समय आविर्भाव हुआ था उस समय अपने चरम अवस्था पर आई हुई थी। नतीजा ये हुआ था कि हिंदू शास्त्रों के विपुल भंडार में से बड़ा विपुल शास्त्र है, जिस विषय पर देखिए हजारों लाखों ग्रंथ लिखे गए थे, अब भी जबकि सब बहुत सा नष्ट हो गया तब भी संस्कृत ग्रंथों की खोज करने वालों ने लाखों की संख्या में पुस्तकें पाई हैं। और पुस्तकें केवल इस देश में नहीं, बाहर से भी मिलती हैं, सीलोन में मिल जाती हैं, बर्मा में मिल जाती हैं, सयाम में मिल जाती हैं। उनमें से 3 ग्रंथों को चुन लिया गया, इनको प्रस्थानत्रयी कहते थे। 3 ग्रंथ, यही कही ग्रंथ समूह भी कही, उपनिषद जो 10 या 11 उपनिषद जिस पर आदि शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा था अद्वैत मत के प्रतिपादन के लिए, तो एक तो उपनिषद, उपनिषद कहने से वो 10 या 11 उपनिषद समझे जाते थे, और भी बहुत से उपनिषद हैं, बाद के भी लिखे उपनिषद हैं लेकिन ये प्रामाणिक उपनिषद।
और एक श्रीमद् भगवद गीता और तीसरा वेदांत सूत्र, वादरायण व्यास का लिखा हुआ वेदांत सूत्र। ये तीन ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहते थे, तीन प्रस्थान है। अगर किसी को कोई नई बात कहनी हो या कोई बात तुम कहना चाहते हो तो पहला काम तुम्हारा ये होगा कि प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखकर, टीका लिखकर इस मत का समर्थन करो कि जो तुम कह रहे हो वो पुराने शास्त्र के अनुकूल है। और अगर नहीं ऐसा करते तो तुम अपांगते हो, तुमको नहीं ग्रहण किया जाएगा। नाभादास जी ने अपना भक्तमाल नाम का एक ग्रंथ लिखा, बड़ा मशहूर ग्रंथ है, आप लोगों ने सुना होगा, उसमें भक्तों की चर्चा की। वो कबीर जी का भी नाम है उसमें, और भी भक्तों का, रामानंद का नाम है, और बहुत से भक्तों का नाम है, बहुत से भक्तों का चरित्र लिखा गया है, गुरु नानक देव का नाम नहीं है उसमें। इसलिए नहीं कि नाभादास जी को गुरु के प्रति भक्ति नहीं थी, वो बहुत भक्ति करते थे, लेकिन उन्होंने वो अपने गुरु के संप्रदाय से, उनको ये कहा गया था कि उन्हीं भक्तों का जीवन चरित्र लिखना जो किसी न किसी संप्रदाय से संबद्ध हो। संप्रदाय आजकल हिंदी में जरा खराब अर्थ में प्रयोग होने लगा। संप्रदाय का मतलब है एक गुरु परंपरा से जो प्राप्त चीज़ें हैं, दान जो रूप में, जो हेरिटेज रूप में, जो हमको एक गुरु से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे में जो मिला, वो संप्रदाय। वो संप्रदाय वह होगा जिसके पास अपना एक भाष्य होगा, अपनी एक टीका जरूर होनी चाहिए, और टीका के लिए टीका भी लगाने की जरूरत है। वो उसका सूचक है कि इसके पास एक टीका है, उसको सिंबलाइज करता है। भाष्य होना चाहिए, उसका अपना मंत्र होना चाहिए, उसका अपना इष्टदेव होना चाहिए, उसकी इस सब बहुत सी बातें होती थी जो प्रस्थान त्रयी में कहते हैं कि चैतन्य संप्रदाय के वृंदावन में एक शास्त्रार्थ सभा हुई। चैतन्य देव बड़े भारी भक्त थे बंगाल के, और उनके शिष्यों ने बड़ा साहित्यिक कार्य भी किया है भक्ति पर। जितना अच्छा ग्रंथ उन्होंने लिखा है उतना भारतवर्ष में कम लोगों ने लिखा भक्ति का विश्लेषण करने के लिए। तो उनकी वृंदावन की एक सभा में उनसे कहा गया कि तुम्हारा कोई संप्रदाय है? तो उन्होंने कहा है। तो कहने लगे टीका कहाँ है तुम्हारे पास, किस ग्रंथ पर तुमने टीका लिखी? कोई टीका नहीं है, इसलिए तुम अलग हो जाओ। तो एक दिन की मोहलत मांगी बलदेव विद्याभूषण ने, और उन्होंने रातों रात वेदांत सूत्र पर टीका लिख के किसी तरह अपने को जात में दाखिल किया। लेकिन गुरु नानक देव ने इस सारी, आप समझ लीजिए कितनी कठोर व्यवस्था थी। नाभादास जी ने कबीर को इसलिए स्थान दिया, कबीर भी वैसे ही थे, वो भी बड़े अक्खड़ थे, उन्होंने कभी, दोनों गुण हैं उनमें, अक्खड़ भी हैं फक्कड़ भी हैं, तो उन्होंने भी किसी की नहीं सुनी। लेकिन उनको जोड़ लिया कि रामानंद के शिष्य थे, रामानंद रामानुज संप्रदाय के थे, इसलिए उनको तो मान लिया क्योंकि उनके पास भाष्य और टीका है। लेकिन दादू दयाल को नहीं लिया, गुरु नानक को नहीं लिया, क्योंकि वे अपने को किसी से जोड़ना नहीं। अब आप सोचिए कि इस व्यवस्था में, इस जटिल व्यवस्था में, उस व्यक्ति की बात सोचिए कि जिसने अस्वीकार किया कि जो सत्य है वो सत्य है, उसके लिए किसी पोथी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो सत्य है उसको हम सत्य मानते हैं, तुम तुम्हारी पोथियों में लिखा हो तो, न लिखा हो तो। ये गुरु नानक देव ने कभी यह प्रयत्न नहीं किया कि किसी न किसी संप्रदाय में, किसी न किसी भाष्य के द्वारा, किसी न किसी टीका के द्वारा। चाहते तो उनके बड़े बड़े विद्वान शिष्य थे, एक आध टीका का भाष्य लिखवा देना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, और संस्कृत भाषा की ऐसी महिमा है कि जैसा चाहो वैसा अर्थ निकाल लो, तो कर सकते थे। अब भी कभी कभी हम देखते हैं कुछ सिख भक्त संस्कृत में लिखने की कोशिश करते हैं, कोशिश, वो एक प्रवृत्ति बनी हुई है ना दिमाग में बनी हुई है, संस्कृत में जब तक टीका भाष्य कुछ ना हो तब तक ठीक पंक्ति में बैठने लायक नहीं होता आदमी, तो वो कहीं। मगर गुरु नानक और उनके शिष्यों ने इस बंधन को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, किसी ने प्रस्थान त्रयी की परवाह नहीं की। ये एक बहुत बड़ा विद्रोह था और बहुत बड़ा दृढ़ता का परिचायक था धार्मिक क्षेत्र में। उन्होंने कहा जात पात सब व्यर्थ है, भेदभाव सब व्यर्थ है, और सत्य का मार्ग जो है उसको सबको ग्रहण करना चाहिए, वो चाहे पोथी में लिखा हो तो,
न लिखा हो तो सत्य सत्य है। उन्होंने कहा कि सत्य ही भगवान का रूप ही सत्य है, सत्य रूप है। ऐसी बात नहीं कि उनके पहले लोगों ने ये बात नहीं की थी, कौन बहुत दिनों से ये बात चली आ रही। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम। भागवत का श्लोक है, देवकी ने भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो देवकी ने उनकी स्तुति की, तो उनकी स्तुति में उन्होंने यही कहा कि तुम सत्य रूप हो, सत्य तुमसे उत्पन्न होता है, सत्य ही सत्य स्वरूप हो, तुम्हारे ऋत और सत्य दोनों नेत्र हैं, तुम सत्यात्मक पुरुष हो। और गुरु नानक ने भी इस बात को कहा और बड़े जोर से, बड़ी सीधी भाषा में। सीधी भाषा में कहना बड़ा टेढ़ा काम है, सीधी लकीर खींचना हमेशा टेढ़ा काम होता है। टेढ़ी लकीर खींचने को कहो तो दो चार मिनट में 1,000-2,000 खींच दिया जाए, क्या मेहनत लगती है। लेकिन एक सीधी लकीर खींचना हो तो कांप जाएगा, 5 इंच की एक सीधी लकीर खींचने में, और जो भी ठीक सीधी हुई कि नहीं इसमें संदेह ही रह जाएगा। बड़ी मेहनत से सीधी बात कही जा सकती है, बड़ी साधना की अपेक्षा करती है। जो पहुंचा हुआ आदमी नहीं है, जिसने उसको अच्छी तरह से नहीं पकड़ा है, जो एक मेक नहीं हो गया है ज्ञान के साथ, वो सीधी भाषा में नहीं कह सकता। और गुरु नानक जैसी सीधी भाषा किसी को चैलेंज कर दीजिए कि इसको इससे सरल भाषा में कर। आज सच जुगाद सच है भी सच नानक और होशी भी सच। क्या बड़ी बात कही कि जो सत्य रूप था आदि सत्य है, युगादि युग में के आरंभ में ही वही सत्य था, और जो आज है वो भी सत्य है, सत्य ही है और सत्य ही रहेगा। इसमें कोई दूसरी बात, इससे सीधी भाषा में क्या कहा जा सकता है। आदि सच युगादि सच और है भी सच और होसी भी सच, सत्य रूप परमात्मा है। तो इस बात को कहना, कहने के लिए तो मैं और भी सैकड़ों सुना सकता हूं आपको कि लोगों ने और भी कहा कि सत्य रूप ही भगवान, सत्य का मतलब ही है जो है, सत्य का है जो धातु प्रत्यय से जो अर्थ होता है, सत्य मैंने है सत्ता, जिसकी सत्ता है वही सत्य है। और वही बात गुरु जी ने कहा कि है भी सच और होसी भी सच। लेकिन क्या इतना कहने से काम चल जाता है? जोर दिया उन्होंने इस बात पर कि सत्य रूप है परमात्मा, सत्य रूप है। ओंकार की कल मैंने थोड़ी बहुत व्याख्या कर दी थी, जो मूल मंत्र है एक ओंकार, उसके बाद सत्य नाम। लेकिन सत्य को मानने के बाद ये कि सत्य समाज में या व्यक्ति के जीवन में किस तरह से ग्रहण किया जाए, ये बड़ा कठिन काम होता है। क्योंकि सत्य भी अलग अलग तरह से अलग अलग दृष्टि से देखने पर सत्य होता है। हमारा सत्य सब समय आपके सत्य से नहीं मिलता, कुछ ऐसी ही कठिनाई उपस्थित हो जाती है। केवल इतना कह देना कि वो सत्य रूप है या सत्य आचरण करो, आदमी विचलित हो जाता है। कई बार तो ये भी लगता है कि सत्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इस विषय पर बड़ी चर्चा है, आजकल के नीति शास्त्र में जो एथिक्स का, उसमें भी इस विषय पर बड़ी चर्चा है। क्या सत्य ही ठीक है? कई बार झूठ बोलना आवश्यक होता है। महाभारत में एक प्रसंग आया है, सत्यस्य वचनम श्रेय सत्यादप हितम वदेत यदभूत हितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। ये नारद जी का वचन है कि सत्य बोलना ठीक है, सत्य से वचनम श्रेय, लेकिन सत्यादपि हितम वदेत, सत्य से भी अच्छा है कि हित बोलो, दूसरों के फायदे की चीज हो, जो भलाई की चीज हो वो बोलो, खाली सच मत बोलो। सच ऐसा होना चाहिए जो हित हो, और केवल हित एक आदमी का हित नहीं, यद भूत हितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम, जो समस्त जगत का कल्याण कर सके वो बात सत्य है। ये कैसे होगा, कैसे हम समझें? ये बड़ी भारी समस्या है कि सत्य को हम किस प्रकार स्वीकार करें। लेकिन गुरु नानक ने इसके लिए जिस प्रकार सीधी भाषा में उन्होंने कहा है, सीधा एक आदर्श भी दिया। उन्होंने इसलिए कभी भी कहीं भी गुरु जी की वाणियों में आपको ये नहीं मिलेगा कि उनको, जो हमने अभी तक जो आपको बहुत सी जटिल व्यवस्थाएं सुझाई, उन व्यवस्थाओं को सुलझाने के उद्देश्य से, ये किसी का परोपकार करने के लिए या किसी
समाज को सुधारने के लिए कुछ कहने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा करना तो एक हौम का ही शिकार हो जाना है कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, और मैंपन और मेरापन जहाँ है वहाँ बात छोटी हो जाती है। हम चाहे जितना बड़ा भी आदर्श अपने मन में सोचें, होगा वो लिमिट में ही, एक अपने सीमा में ही होगा। गीता में प्रसंग आता है कि अर्जुन बहुत बातें पूछने लगा भगवान से और बहुत शास्त्रार्थ शुरू कर दिया, तो भगवान ने कहा कि अच्छा तू मेरा असली रूप देखना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, पश्चिम योगमेश्वरम, मेरा रूप देखो। वो बड़ा विराट रूप दिखाया, अनेक बाहु उधर वक्त ने तम जाने हजार हजार हाथ हजार हजार। गुरु जी ने भी कहीं कहीं इस प्रकार की वाणी कही है, मगर अर्जुन घबरा गया। अब वो बर्तन तो आज सिर का था, दूध उड़ेल दिया कई मन, कहाँ अटेगा? जो हमारी सीमित इंद्रिय हैं, हमारी सीमित दृष्टि है, उसके भीतर बड़ा सत्य आ कैसे सकता है? हम जब उसको देखेंगे तो हमारी सीमा के भीतर बांध जाएगा। अर्जुन घबरा गया, उसने कहा नहीं महाराज, अब हमसे नहीं होता, मुझे तो वही रूप दिखाओ, ये नहीं हमसे, अब बर्दाश्त नहीं होता। तदेव में दर्श है देव रूपम, हमको ये इतना बड़ा, ये तो मेरी सहन शक्ति के बाहर। तो सत्य का आचरण करना एक बड़ा कठिन प्रश्न है, कैसे सत्य का आचरण किया जाए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि समाज का जिससे कल्याण हो, वो भी एक बड़ा ही अस्पष्ट है। कैसे मालूम हो कि समाज का कल्याण हो? तुम समाज का कल्याण करोगे, अपना तो कल्याण करो बाबा, तुम दुनिया भर क्या कल्याण करोगे? या अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई, इस प्रकार की भी बातें कही जाती हैं। गुरु नानक के ग्रंथों के पढ़ने से लगता है कि उनका ये इस तरह का कोई मत नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कहते कि हम समाज की भलाई के लिए ये बात कह रहे हैं, इससे सबका भला होगा और हमारा काम है कि हम सब सारे समाज को सुधारें और भले रास्ते पर ले जाएं। सूरज ने आज तक नहीं कहा कि हम इसलिए उदय हो रहे हैं कि सब लोगों को प्रकाश मिले, रोशनी मिले। सूरज उदय होता है, लोगों को प्रकाश अपने आप मिलता है। गुरु नानक देव ने सारी कर्तव्य और अकर्तव्य को एक बड़ी भूमिका पर रखा, और वो भूमिका क्या है, वो हमारे अंतरतर का ही विकास है। जो कुछ ये जगत में दिख रहा है, इसके साथ हमारे भीतर जो है उसका कोई अंतर नहीं है। जो ये पेंडे सोई ब्रह्मांडे, ये सारा पिंड जो है ये ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है, नटशेल में पूरा ब्रह्मांड इसमें है। ये नाथ पंथी योगियों का सिद्धांत था, तंत्र शास्त्र में भी सिद्धांत आता है और गुरु नानक और उनके शिष्यों ने भी इस सिद्धांत को माना है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ पिंड में है। और अगर आप पिंड को यानी अपने भीतर को इतना विस्तृत कर सकें, उसको इतना उज्ज्वल बना सकें, तो आप सारे संसार के साथ एकमेक हो जाएंगे। तो सत्य को किस प्रकार से सर्वजन सुलभ किया जाए, इसमें तो कोई शक नहीं कि गुरु जी की वाणी में सर्वहित की चिंता अवश्य है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, लोग जो भटके हुए हैं वे रास्ते पर आवें, परंतु आदर्श उनका है वो एक बहुत बड़ी भूमिका है। जो परमात्मा का स्वरूप है उसी को मान लो, जो परमात्मा स्वरूप है जिसकी वो बार बार कहते हैं कि हरि का भजन करो, और तो परमात्मा स्वरूप की जो चिंता जो कल्पना उनके मन में आई, वैसे मैंने बताया मैं कि परमात्मा को किसी भी रूप में आप कह सकते हैं, जो भी रूप दिखता है वही है। वो जगन्नाथ जी में आरती हो रही थी और गुरु जी वहाँ, उन्होंने आरती देखी ऐसा कहा जाता है, और उनके मन में एकदम उल्लसित होकर के गगनमय थाल रविचंद दीपक जरे और तारका मंडल गगन क्या है मोती और धूप मलयानिलो पवन चमरो करे और क्या अनहद शब्द बाजंत भेरी कैसी आरती हो भवखंडना तेरी आरती, मुझे ठीक से याद न, क्षमा करेंगे भूल जाता। तो ये एक विराट, उसके साथ ही वो कहते हैं कि तेरे हजार हजार नेत्र हैं, और तुरंत कहते हैं कि नन नयन तो ही सहस्रतव नयन, नन नयन तो ही तुरंत कहते हैं, एक हजार नयन है तुम्हारे। हजार हजार का मतलब गिनती का हजार नहीं होता, हजार का मतलब अनंत होता है।
वेदों में लिखा है सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष, उस पुरुष के हजार सिर हैं और हजार आंखें हैं। मामूली अरिथमेटिक का विद्यार्थी भी कहेगा कि जब हजार सिर हैं तो 2000 आंखें होनी चाहिए लेकिन नहीं, वहां हजार का मतलब अनंत है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, असंख्य। तो उनका सहस्र तो नयन नन नयन तो ही, लेकिन तू ही तो आंख है और दिखाई कैसे दे रहा है, तेरे सहस्र सहस्र चरण है, कोई चरण नहीं, सहस्र सिर हैं, सहस्र गंध, सहस्र रूप, सब में वही प्रतिभात हो रहा है। तो ये एक विराट कल्पना उन्होंने की कि जो शुद्ध, जिसको तुम परमात्मा का, जिसको तुम भजन कर रहे हो, वो किस रूप का है, उसका क्या स्वरूप है। तो सबसे पहली बात तो ओंकार तो एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है कि समस्त जगत सारा कुछ एक शब्द में ले आने का प्रयत्न है। उसके बाद उन्होंने कहा सत्य नाम है, स्वरूप सत्य है। उसके दो विशेषण उन्होंने बड़े चमत्कार दिए हैं, एक तो वह निर्भय है और एक निर्वैर है। किस विराट कल्पना में उन्होंने रखा, अगर तुम उसको पाना चाहते हो, तद्रूप होना चाहते हो, तो तुम भी निर्भय और निर्वैर हो। अगर कहीं भी भय है तो सत्य मार्ग से आदमी विचलित हो जाए। सबसे बड़ा जो सत्य मार्ग से विचलित होने की बात है वो भय। लेकिन भय छोड़ने का मतलब ये नहीं कि सबसे झगड़ा करते फिर कोई से, अगर केवल डर छोड़ दे आदमी और औरों की परवाह न करे तो शायद वह समाज का सबसे बड़ा निकृष्ट जंतु हो जाएगा, वो शायद चोर हो जाए, डाकू हो जाए, गुंडा हो जाए। निर्भय के साथ निर्वैर, वैर होता है वो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि क्रोध का आचार्य मुरब्बा वैर होता है। किसी पर क्रोध करो बहुत दिनों तक मन में संचित रखो, जैसे आचार बनाया जाता है, तो वो अंत में जाकर के बैर के रूप में, शत्रुता के रूप में प्रकट होता है। तो किसी के प्रति क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि एक मैत्री का भाव होना चाहिए। लेकिन मैत्री शब्द का प्रयोग न करके उन्होंने कहा निर्भय और निर्वैर। तीसरी बात जो उन्होंने कहा वो बड़ी शानदार बात है, अकाल मूल। अभी तक जो कह आए हैं कि आदि सच, जुगाद सच, है भी सच और होसी भी सच, ये काल के बंधन के भीतर से, ये समय है, समय काल एक धोखा मात्र, वेदांत शास्त्र भी कहता है काल जो है माया, धोखा मात्र। काल के भीतर से अगर देखते हो तो तुम अपनी सीमा के भीतर से देखते हो। जो कालातीत है, काल से भी परे है, बियॉन्ड टाइम जो है, वो बताए इन्हीं सीमा को असीम की ओर ले जाने के लिए उन्होंने उसका नाम दिया अकाल मूरत। ये एक भगवान का आइडियल है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सब हमारे काम की इस समय नहीं है, वह काम की तो सभी हैं, लेकिन आज के व्याख्यान में ये तीन शब्द विशेष रूप से ध्यान देने के। जहाँ सत्य को उन्होंने कहा कि शुरू में भी था, अंत में भी रहेगा, है भी, वहां इस बात का भी ध्यान रखा कि कोई ये न समझ ले कि सत्य काल के भीतर बंधा हुआ है, वो वर्तमान अतीत और भविष्य के भीतर बंधा हुआ है। ये वर्तमान और अतीत और भविष्य ये हमारी सीमित दिमाग की कल्पना मात्र। जो परम पुरुष है वो तो कालातीत है, अकाल मूर्त, और स्वयंभू योनि वगैरह जो कहा है, लेकिन ये चीजें हमारी जो उनकी जो एथिकल फिलोसफी है उसको समझने के लिए इस बात को समझिए कि गुरु नानक ने एक बड़ी भूमिका पर इसको, भक्ति को रखा। भक्ति चरम है इसमें तो कोई शक नहीं, परिपूर्ण जो आत्मसमर्पण है इसकी ओर गुरु नानक ने सर्वात्मना कहा है, मैं तो तेरा ही हूं, तो इससे भिन्न मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो परमात्मा स्वरूप है जिसमें हमें मिल जाना है, वो जो हमारा आदर्श है वो कैसा होना चाहिए, वो ही उनके सामाजिक चिंतन की कुंजी है कि वो निर्भय होगा। जिसके भीतर परमात्मा पर अखंड विश्वास है, जो मानता है कि परमात्मा के हुक्म के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा, उनकी ये भी एक फिलॉसफी, बड़ी जबरदस्त फिलॉसफी कि हुक्म से सब कुछ हो रहा है, हमारा उसमें कुछ नहीं, कर्ता पुरुष तो वही है और उसकी आज्ञा से सब कुछ चलता है। बहुत पुराने जमाने से ये चीज़ चली आ रही थी और कदाचित
जो हमारे देश में जो नया सेमिटिक रिलीजन आया था उसमें भी यह बात थी कि परमात्मा की कृपा, उपनिषदों में आता है भय नास्य अग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य, उसके डर के मारे सूर्य तपता है, उसके डर से आग जलती है, उसके डर से ये भी एक भय की बात हुई, फिर उसकी आज्ञा से ही सब कुछ हो रहा है। गुरु नानक ने बहुत ज़्यादा सर्वात्मना आत्मसमर्पण की प्रथम सीढ़ी है कि जो कुछ है वो उसकी इच्छा से हो रहा है और उस वो जो उसकी इच्छा क्या होगी वो उसके स्वरूप से पता चलता है। जो स्वरूप कल्पना की उन्होंने उससे पता चलता है कि उसकी इच्छा क्या है, किस बात का, कैसे, हुकुम से जो हो रहा है वो हुकुम कैसा होगा। जैसा मालिक है, जैस उसकी प्रकृति हम जान लें तो हम समझेंगे कि मालिक किस तरह का हुकुम देता है। मालिक निर्भय है। सबसे पहली बात है कि भय नहीं है उसके अंदर। अगर भय का आदर्श, समाज की सारी समस्याएं सुलझ जाएं अगर मनुष्य के भीतर से भय और वैर का भाव निकल जाए, तो भय को उन्होंने पहले ये किया कि जो भय है, और जिसने परमात्मा पर सचमुच विश्वास किया है उसको भय कहाँ होगा। और ख़ास करके अगर परमात्मा का स्वरूप ही निर्भय है तो उसके भय पाने की, अगर उसको के मन में कहीं डर है तो समझ लीजिए कि वो आदमी कच्चा है। वो कहता हो चाहे मुंह से कि हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं, हम भगवान पर विश्वास करते हैं, हम राम राम जपते हैं, हम हरि नाम जपते हैं, लेकिन अगर वो डरता है तो मानना होगा कि कहीं ना कहीं उसके भीतर शैतान बैठा हुआ है जो परमात्मा को आने से रोक रहा है। परमात्मा पर अखंड विश्वास जिसका नहीं है वो भय से विरत नहीं होता। मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं, मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्वजिया प्रतिपाल ही लेख है रास गिरास। कैसे कह सकता आदमी इतनी बड़ी बात, कैसे मुंह से निकल सकती है जिसका अखंड विश्वास ना हो परमात्मा के ऊपर। और यदि अखंड विश्वास है तो भय उसमें नहीं होना चाहिए और वैर उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो उसकी आज्ञा से जो कुछ विश्व में चालित हो रहा है, हवा पत्ता जो कुछ आप देख रहे हैं चल रहा है, हिल रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से हो रहा है। भक्ति शास्त्र में एक दूसरा शब्द है जो इसके निकट पहुंचता है, वो है अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है, भगवान की कृपा से ही मनुष्य उसकी ओर उन्मुख होता है। लेकिन अनुग्रह से हुकुम कुछ अधिक व्यापक शब्द है। ये केवल व्यक्ति पर कृपा करने का सवाल नहीं है, समस्त जगत ही एक विशेष प्रकार के स्वभाव, जिनका स्वभाव, स्वभाव शब्द कहने का हम लोग बोलते तो हैं शब्द, लेकिन उन शब्दों का हम अर्थ नहीं समझते। स्वभाव यानी अपना भाव, जिसका स्वभाव यानी जिसकी स्वयं की सत्ता इस प्रकार की है कि निर्भय निर्वैर है, तो उसके लिए ये जो रूप ही जिसका सत्य है, जिसका स्वरूप ही निर्भय और निर्वैर है, उस पर अगर आस्था आप रखते हैं तो भय का कोई कहीं स्थान नहीं। गुरु जी ने भय का ये बहुत ही निर्भय होने के लिए और इस पर, और इसका यह है कि वैसे निर्भय कहने के लिए शास्त्र वाक्यों की या बड़े बड़े पंडितों की पोथियों में, अंग्रेजी में भी, विदेशों में भी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसकी परीक्षा यह है कि गुरु जी की वाणी का क्या परिणाम हुआ। फले न परिचयते वृक्ष, फल देख करके पहचान होता है कि वस्तुतः ये कौन सा पेड़ है। बबूल के नीचे आम गिरा हो कोई कह दे कि ये आम है, नहीं है, आम से देख करके, फल देख करके पहचान होती है कि ये अमुक पेड़ है। नतीजा क्या हुआ कि गुरु जी के जीवन काल के सैकड़ों वर्ष बाद गुरु जी के अनुयायियों ने जिस निर्भयता का परिचय दिया है, जिस निर्भीकता का परिचय दिया है, वो इतिहास में पाना मुश्किल। आकाशवाणी संग्रहालय की जिंदे उनको गड़वा दिए गए हैं, जलवा दिए गए हैं, काटा गया है, मारा गया है, डराया गया है, उनकी संपत्ति नष्ट की गई, लूटी गई, भय नहीं है। तो कितनी बड़ी महावाणी होगी जो युगों तक चलती रही, एक क्षण के लिए नहीं, जो जो जितनी गंभीर गहराई से हृदय से निकलती है वाणी उसका उतनी दीर्घव्यापी परिणाम होता है। तो गुरु जी के शिष्यों ने सैकड़ों वर्ष तक ये सिद्ध कर दिया कि वो निर्भय
परमात्मा के उपासक, निर्भय और साथ ही साथ निर्भय। मैं तो कहता हूं कि निर्भय का भी आदर्श उन्होंने बराबर बनाए रखा, डरे नहीं लेकिन किसी दूसरे को सताना भी उनके मन में नहीं आया, बैर भी नहीं रखा। तो इनकी जो नैतिक जो तत्ववाद है इनका गुरु जी का, वो एक बड़ी भूमिका पर है, बड़ी विराट भूमिका पर है। और इसके लिए वो परमात्मा का स्मरण करने को कहते हैं। कैसे स्मरण किया जाए? परमात्मा का भजन करने को कहते हैं। जपू जी में बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें हैं। ये छोटा सा ग्रंथ एक विचित्र है, इसमें सारे भारतवर्ष की साधना का निचोड़ रखा हुआ है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि उसका एक ही है कि उसका गुण श्रवण करो। ये एक विचित्र बात है कि जैसे कबीर वगैरह ने अपने को निर्गुण कहा, गुरु जी ने अपने को निर्गुण नहीं कहा, निरंकार कहा, भगवान का गुण गाने को कहा। निरंकार शब्द में भी मुझे लगता है कि वो केवल निराकार शब्द का ही रूप नहीं है, उसमें निराकार और निरहंकार दोनों शब्दों का, केवल निर्भय निर्भय नहीं निरहंकार भी है उसके भीतर, जिसका कि परवर्ती रूप निरहंकार हो गए, दोनों शब्द उसमें मिले हुए हैं। ऐसे बहुत से शब्द बन जाते हैं भाषा में कि दो आइडियाज को एक साथ जोड़ देते हैं। तो निरंकार में निरहंकार भी है और निराकार भी है। तो उन्होंने भगवान के गुण का श्रवण, श्रवण मनन और निधिध्यासन, बहुत पुरानी चीज चली आ रही है, लेकिन गुरु जी ने उसको नए सिरे से कहा। मुझे लगता है कि श्रवण सुनना और मनन मनना, ये तो जपू जी में दिए ही है, ध्यान का कहीं चर्चा नहीं, निधिध्यासन क्यों नहीं है? निधिध्यासन होता है जिस चीज़ का आपने श्रवण किया और जिस चीज़ का आपने मनन किया, उसको बार बार अपने मन में ले आकर के उसको रटिए। तो बहुत पुराना शब्द निधिध्यासन भी आ जाना चाहिए। सुनना अगर आ गया, मनना अगर आ गया, तो निधिध्यासन कहाँ छूट गया? लेकिन उसके बाद ही, मनन के बाद ही पंच प्रधान पंच परवान पंच दरगह पे पाई मान और पंचा का गुरु एक ध्यान, ये पंचा कहाँ से आ गया? हमने बहुत लोगों से पूछने समझने की कोशिश की, भाई ये पंच कैसे कूद गया इसमें? तो मैंने अपने अंदाज से एक अर्थ किया, ये पंच सरपंच नहीं है गांव में जो पंच होता है, क्योंकि वहाँ कैसे इसका अर्थ ही नहीं लगेगा। पंचे दरगह पाई मान, पंचा से दरगह में मान मिलता है, पंचा का गुरु एक ध्यान, पंचा वही शुद्ध पंचा है जिसका गुरु ही एकमात्र ध्यान हो, पंच ही प्रमाण है, पंच ही प्रधान है। पंच क्या चीज़ है? एक आध पुस्तकों में मैंने देखा कि गांव का नगर में जैसे गांव में सरपंच हुआ करता, वैसे कोई चीज़ पंच हमारे भीतर बैठा, ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है कि ये शब्द भी बहुत पुराना अपने पंजाबी रूप में चला आया है। पंच और कुछ नहीं, प्रज्ञा है, जो कि पाली में पंया हो जाता है, और पंया पंजा हो जाता है, उसको थोड़ा संस्कृताइज करने से पंच बन जाता है। प्रज्ञा ही प्रमाण है, प्रज्ञा इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसका गुरु ही एकमात्र के गीता में दो अब दूसरे अध्याय में बड़े विस्तार से बताया है कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धौ शरण मन्विच्छ। तो बुद्धि की शुद्धि पर गुरु जी ने जोर दिया है कि श्रवण और मनन और निधिध्यासन को उन्होंने पंचा प्रज्ञा के ऊपर बल देने के लिए कहा है। तो ऐसा मुझे लगता है, मैं कह नहीं सकता कि मैं कहाँ तक सही हूँ, लेकिन वो कंटेक्स्ट देखने से ऐसा लगता है कि मेरा ये विचार ठीक है, लेकिन ये विद्वानों के विचार के लिए है, शायद गलत भी हो, मैं उसके लिए दावा कुछ नहीं करता। ऐसा अर्थ करने से मुझे संतोष होता है, मुझे आनंद मिलता है कि पंच प्रज्ञा ही प्रधान है, और मनुष्य के भीतर जो बुद्धि है वही प्रधान है, वही प्रमाण है। आप किसी चीज़ को जानते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, बुद्धि उसमें प्रमाण है। गीता में भी कहा है बुद्धौ शरण मन्विच्छ, बुद्धि की शरण जाओ। लेकिन बुद्धि, शुद्ध बुद्धि कौन सी है जिससे कि ये सिद्ध हो सकता है? तो उन्होंने कहा है जिसका गुरु ही एकमात्र ध्यान है, पंचा का गुरु एक ध्यान, गुरु एक, गुरु केंद्रित जो प्रज्ञा है वो शुद्ध प्रज्ञा है। बुद्धि भी सब बुद्धि बुद्धि नहीं होती, लोगों ने अकल से न जाने क्या क्या कर दिए। अकल भी शुद्ध होनी चाहिए, किसी प्रकार के कलुष और कालिमा से नहीं। वो कैसे होगा? एकमात्र गुरु, गुरु का स्वरूप पहले ही बता दिया है,
उस गुरु के स्वरूप पर जिसकी बुद्धि केंद्रित है वो सचमुच प्रज्ञावान व्यक्ति है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। और दूसरी बात जो गुरुजी ने इसको, मैं ये बता रहा था कि उनका ये जो सामाजिक संशोधन या सामाजिक सुधार या सामाजिक क्रांति के लिए जो मार्ग था वो ये कहकर नहीं था कि हम सामाजिक क्रांति कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ी भारी भूमिका जिसका अनुसरण करने से सत्य पर, निर्भयता पर, निर्भीकता पर जोर पड़ता है और उसी पर ध्यान केंद्रित होता है, ये उनका संदेश है। इस चीज़ को अगर ग्रहण किया जाए तो संसार की बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा प्रज्ञा में भी गुरु जी ने कुछ देखा है कि इसमें भी कमजोरी आ सकती है और उसके लिए उन्होंने प्रेम का मार्ग बताया। प्रेम अर्थात जिस प्रकार प्रिया अपने प्रिय को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार अपने आप को सर्वात्मना समर्पण करती है, तो वो प्रेम का मार्ग जो है वो बुद्धि वाले मार्ग से अधिक सरल है और उन्होंने बार बार प्रेम पर जोर दिया है। मैं फिर से उस अपनी बात को जरा एक बार समेट लूं कि गुरु ने ये बताया है कि परमात्मा का स्वरूप सत्य रूप है, परमात्मा जो है निर्भय रूप है, निर्भय रूप है और साथ ही साथ वो निरहंकार रूप है, उसमें अहंकार का लेश नहीं है। अहंकार का अगर लेश न कहा जाए, अगर ये न कहा जाए, तो गुरु जी की फिलॉसफी में जो होम का इतना अधिक जोर दिया है कि होम का त्याग, अहंकार का त्याग, वो चीज़ शुद्ध सिद्ध नहीं होती। तो ये परमात्मा का स्वरूप है और उस स्वरूप को ही अपने भीतर आत्मसात करना ये बड़ी साधना है। ये साधना तभी हो सकती है कि हम परमात्मा का गुण सुने, परमात्मा का गुणों का मनन करें और अपनी बुद्धि को पवित्र रखें। और अगर ये बुद्धि भी विचलित होती है तो सबसे बड़ा साधन यह है कि सर्वात्मना अपने आप को वो महाज्ञात प्रियतम के चरणों में निछावर कर दो और उसी के उल्लास में मगन रहो, तो फिर अपने आप जो सामाजिक जो विषमताएं हैं उनके दूर करने का मार्ग निकल आता है। गुरु जी ने किसी के प्रति कोई भेदभाव कभी रखा ही नहीं। उन्होंने बार बार ये कहा कि जो नीच से नीच जाती है वहीं जाने पर परमात्मा वहाँ मिलता है और जो बहुत जो लोग समृद्धशाली हैं उनके यहाँ प्रलोभन से आदमी भटक सकता है, लेकिन जो नीचे हैं, जो दलित हैं, जो पतित हैं, जो अवमानित हैं, उनकी सेवा करने में परमात्मा स्वयं रूप होकर के उपस्थित होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो ने कहा, डॉक्टर साहब, भाई और बहनों, मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है और ख़ास तौर पर बड़े मान की बात है कि आज जब डॉक्टर हजारी प्रसाद जी अपने भाषण का दूसरा हिस्सा ख़त्म कर चुके तो मैं जहां उनका शुक्रिया अदा करूं वहां ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर्स में जो ये ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मिस्टर ए के सैन की तरफ से गुरु नानक देव जी के 500 साल जन्मदिन पर इस भाषण का प्रबंध किया गया है, उनका भी आपकी तरफ से धन्यवाद करूं। जहाँ जहाँ भी गुरु नानक के नाम लेवा है, उनका मिशन मानने वालों के अलावा उनके मिशन को जानने वाले सज्जन पुरुष हैं, ऐसे मौके पर एक ख़ास बात जो
मैंने देखी है कि इस 500 साल जन्मदिन को मनाने का जहां हमें खास अवसर मिला है, हर एक को तो मिल नहीं सकेगा। अगला 600 साल आएगा तो हम में शायद कोई भी ना हो, कोई हिम्मत वाला होगा जो 100 साल के बाद भी देख सकेगा। लेकिन इस बात का हमें एक फायदा ज़रूर पहुंचा, और ख़ास तौर पर ये बात देखने में अभी आई है कि गुरु नानक के मिशन को सही तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे दरमियान आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी के महानिदेशक श्री अशोक कुमार सेन ने अध्यक्ष, वक्ता और श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए कहा, डॉक्टर ढिल्लों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और मित्रों, मेरे लिए यह पहली राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला हमेशा एक सुखद स्मृति रहेगी। ये मैं अनेक दृष्टि से कह रहा हूँ। हम पहली बार आकाशवाणी से हिंदी में ऐसी व्याख्यान माला का आयोजन कर पाए हैं। यह हर्ष की बात है कि इसका नाम हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जुड़ा है। इस व्याख्यान माला का आरंभ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान ने किया है। इस भाषण माला का विषय वो महान संत हैं जिनके जन्म की पंचशती आज देश भर मना रहा है और जिनका एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश सारे समाज और हर व्यक्ति को प्रेरणा दे रहा है। द्विवेदी जी, आपकी भाषण प्रतिभा के हम सब प्रशंसक रहे हैं। आपके ये दोनों भाषण एक विचारक, चिंतक और वक्ता के रूप में है आपकी प्रतिभा के अनुकूल थे। मैं आपका आभारी हूँ। डॉक्टर ढिल्लों, आपके अपने व्यस्त जीवन में से इस अवसर पर सभापति होने का हमारा अनुरोध स्वीकार किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आकाशवाणी में हम सब पहली राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान माला पर गर्व अनुभव करते हैं। आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्ड। अंत में मैं सभी उपस्थित सज्जनों और श्रोताओं को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।